हमारी धरती एक से एक खतरनाक जगहों से भरी है, लेकिन बाकी सारी जगह स्थान के सामने कमजोर पड़ जाएंगे, जहां अगर कोई इंसान अपना पैर रख दे तो कुछ मिनटों के अंदर उसकी मौत पक्की है। अटलांटिक ओशन में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड को ऑफिशियली दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है, और ऐसा क्यों है इसका अंदाज़ा आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं। इसे स्नेक आइलैंड से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यह आइलैंड पूरी तरह से सांपों से घिरा है। अगर कोई व्यक्ति गलती से यहाँ फंस जाए तो उसका सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। यह आइलैंड ब्राज़ील की धरती से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसका कंट्रोल ब्राज़ील गवर्नमेंट के पास रहता है। यह आइलैंड सिर्फ 106 एकड़ बड़ा है, और आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ करीब 4 लाख सांप मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ फंस जाएं तो आपको हर 1 मीटर की दूरी पर एक सांप देखने को मिलेगा। स्नेक आइलैंड एक समय में ब्राज़ील की धरती का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सी लेवल के बढ़ने की वजह से यह आइलैंड वहाँ से अलग हो गया और अटलांटिक ओशन में ही फंस गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस आइलैंड पे अनेकों प्रजाति के सांप और 40 प्रजाति के पक्षियाँ पाए जाते हैं। इन सांपों में से 90% सांप गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर है। यह वाइपर की ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। दूसरी भाषा में कहे तो स्नेक आइलैंड पे ऐसे सांप बसते हैं जो धरती पे कहीं और देखने को नहीं मिलते। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ सांप हद से ज्यादा जहरीले हैं, बल्कि इन वाइपर का जहर धरती के दूसरे वाइपर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। रोचक बात तो यह है कि हमें यहाँ उन सांपों की प्रजातियाँ देखने को मिल सकती है जिसे हमने आज तक नहीं देखा। लोगों की सुरक्षा के लिए और क्योंकि यह गोल्डन वाइपर इतने रेयर हैं, इसलिए ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस जगह को लोगों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। बस ब्राज़ील के नेवी के लोग यहाँ जा सकते हैं, जिन्हें इस आइलैंड पर मौजूद एक लाइट हाउस की निगरानी के लिए जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, साल 1909 में इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस बनाया गया था ताकि शिप्स को सही दिशा दिखाई जा सके। इससे पहले इस लाइट हाउस के मेंटेनेंस के लिए इसमें एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात खिड़की से ढेरों वाइपर अंदर घुस आए और पूरे परिवार पे हमला बोल दिया। जब वे अपनी जान बचा के भागने लगे तो जंगल में मौजूद सैकड़ों सांपों ने उस परिवार की जान ले ली। यह गोल्डन पिट वाइपर एक समय में ब्राज़ील के जंगलों में रहते थे, लेकिन स्नेक आइलैंड के साथ वे भी ब्राज़ील से अलग हो गए और इस आइलैंड पे फंस गए। इन सांपों के लिए इस आइलैंड पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि खाने के लिए इधर पक्षी ही मौजूद थे। इस आइलैंड पर किसी भी प्रकार के मैमल नहीं पाए जाते। सांपों के लिए पक्षियों को मारना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जरूरत थी कि वे सांप अपने आप को बेहतर करें। समय के साथ उन्होंने अपने आप को इस मुश्किल कंडीशन में अडेप्ट किया और खतरनाक शिकारी के रूप में उभरे। यही कारण है कि इनका जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है, ताकि थोड़ा सा भी यह जहर अगर शरीर में चला जाए तो शिकार की मौत पक्की हो जाए। कहते हैं कि यह जहर से 5 मिनट के अंदर अंदर एक इंसान की जान ले सकता है। यह जहर शरीर में ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर की समस्या उत्पन्न कर सकता है, और अगर यह जहर किसी के शरीर को छू दे तो वे व्यक्ति अपनी आंखों के सामने अपने स्किन को डिसॉल्व होते हुए देखेगा। स्नेक आइलैंड के पास जंगलों में रहने वाले लोग इस आइलैंड से काफी खौफ खाते हैं, बल्कि वे इन सांपों के विषय में एक डरावनी थ्योरी सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि यह जगह एक समय में पायरेट्स के आतंक से खौफ खाया करती थी। इन पायरेट्स ने अपना बेशुमार खजाना इस आइलैंड पर छुपा दिया और ढेर सारे जहरीले सांपों को इसकी सुरक्षा के लिए लगा दिया। वे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इन सभी सांपों से हट के उधर एक विशालकाय सांप बसता है जो सबसे छिप के इस खजाने की रक्षा में तैनात है। हालांकि यह सब बातें महज एक थ्योरी है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस जगह पे कुछ ही इंसान जा सके हैं। हो सकता हो यहाँ हमें हमारी सोच से परे एक बेहद खतरनाक सांप देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।